कभी कभी हम हमारे जीवन में चारों तरफ समस्याएं ही देखते हैं पर उन समस्याओं की वजह नहीं समझ पाते हैं। जब समस्याओं की वजह समझ लेंगे तो उनका समाधान आसान हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हम इस तर्क को समझने का प्रयास करेंगे। एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को बड़ी ही हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक तीन गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? इस प्रश्न के उत्तर में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरीके से ये रस्सी तो वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें तीन गांठ लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थी, इसे बदलाव हुआ भी कहा जा सकता है। कुछ शिष्यों ने कहा, वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह बोलकर बुद्ध रस्सी को दोनों सिरों से खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा, क्या इस प्रकार इस रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज़्यादा घस जाएंगी, इन्हें खोलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा जिससे हम यह पता लगा सकें इन्हें कैसे लगाया गया है, इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो चुके थे। उन्होंने कहा कि है सही बात है, हम परेशानी में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उसका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले ही समस्याओं के मूल रूप को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो जाएगा।